हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रब बताने वाली हूँ। स्क्रब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्क्रब हमारे फेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारी जो है डीप रूटेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और मैं कह रही हूँ स्किन को एक्सफोलिएट करना जो है काफ़ी जो है ज़रूरी होता है। ये हमारी स्किन के ग्लो के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रब जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एक चम्मच, हम ये है चावल का आटा, राइस फ्लावर, ये हम ले लेंगे। जो ये जो राइस फ्लावर होता है, ये जो है इसमें जो है एक बहुत ही अच्छी इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है और ये स्किन वाइटनिंग एजेंट का भी काम करता है। और इसमें हम यूज करेंगे कर्ड यानी दही। इसको आप ले लीजिए 1-1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये एक पेस्ट फॉर्म में हमें इसे लाना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा ठीक सा पेस्ट बन गया है। हमें क्या करना है, आप इसको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसको उसको अच्छे से सुखा लीजिए। अब इसको मैं ऐसे लेके इसको ऐसे अप्लाई करना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसको आप चाहे तो 5 to 10 मिनट ऐसे रख दीजिए, उसके बाद यूज करिए, या फिर आप तुरंत बनाने के बाद तुरंत ही यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में करिए, इसको 3 to 5 मिनट तक आप स्क्रब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर इसको 2-3 मिनट के बाद ऐसे छोड़ दीजिए। फिर स्क्रब करते हुए इसको अच्छे से आप वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से, ठीक है। ये काफ़ी इफेक्टिव है ये स्क्रब। और ये स्क्रब का इस्तेमाल हमें 1 सप्ताह में 2 बार करना है। बहुत ज़्यादा हमें ओवरडू नहीं करना है, बस इसको मैक्सिमम 2 बार हम यूज कर सकते हैं 1 सप्ताह में। और इसके बाद हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है। और एक चीज़ और, ये दही होता है कर्ड, ये सनबर्न के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे हम धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन में ब्लैकिश हो जाती है थोड़ा इफेक्ट, तो ये जो है कर्ड जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है इसके लिए और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो ठीक है, एक ये हो गया है, ये हमें स्क्रब इसको इस्तेमाल करिए। उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ उसको यूज करने के बाद हम एक हाफ लेमन लेंगे, इसको स्क्वीज कर लीजिए। अब अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको ले सकते हैं। फिर हम इसमें 1 चम्मच हनी का यूज करेंगे। लेमन जो होता है उसमें भी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। और जो हनी होता है वो उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है और ये स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखता है, सपल फ्रेश लुक देता है, एक
है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जैसे कि जितना लेमन हम लेते हैं, मतलब 1 चम्मच अगर हमने लेमन लिया है तो 1 चम्मच ही हमें हनी का यूज करना है, दोनों आधी आधी मात्रा में लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर वो जो स्क्रब करने के बाद हमें इसे एक अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए, ओके, ऐसे। इसको फिर आप 10 to 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद फिर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है स्किन वाइटनिंग के लिए। तो आप इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।